राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पढ़ लिए थे, आज नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा पहला पार्ट है इसका, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों के विद्यार्थी हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों आएंगी। मान लीजिए लड़का एक्स है, लड़की वाई है। लड़कों की संख्या एक्स है, लड़कियों की संख्या वाई है, और ये कह रहा है 10 विद्यार्थियों ने। तो दोनों को जोड़ेंगे, कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स। एक्स को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस में होगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर देखिए कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हम क्या माने हैं? वाई माने हैं। वाई कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या क्या माने हैं? एक्स माने हैं। तो एक्स और कह रहा है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्लस 4 कर दिए। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब देखिए इसकी हम तालिका बनाते हैं पहले इक्वेशन का। एक्स वाई, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर एक्स इक्वल टू 1 रखने पर किस समीकरण में? पहले समीकरण में। तो पहला समीकरण है वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स। y इक्वल टू 10 माइनस x के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 1 y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आई? 9 आई। x की वैल्यू कितना रखे हैं? 1 रखे हैं, 1 लिखेंगे। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे इसी समीकरण में। तो y इक्वल टू 10 माइनस 2, y इक्वल टू 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। y की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। फिर x की वैल्यू कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। x की वैल्यू 3 रखेंगे। तो y इक्वल टू 10 माइनस 3, y इक्वल टू 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर दूसरे समीकरण की तालिका बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे x y। तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू 1 रखेंगे दूसरे समीकरण में। तो x इक्वल टू 1, 2, 3 रखने पर समीकरण 2 लिखेंगे y इक्वल टू x प्लस 4। y इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 5 आएगा। तो y की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू 1 रखे हैं। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसी समीकरण में x की वैल्यू 2 रखेंगे, y इक्वल टू 2 प्लस 4 तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो y की वैल्यू 6 आई। फिर यहाँ पे हम इस समीकरण में x की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 तो y इक्वल टू
थ्री प्लस फोर तो ये आ जाएगा सात। वाई की वैल्यू कितनी आई? सात आई। अब दोनों समीकरण की हम तालिका बना लिए हैं, अब फिर हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश है। तो ये मूल बिंदु होता है। तो फिर यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर ऊपर की तरफ लिखेंगे, ऊपर भी प्लस में लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे वन लेंगे और वाई अक्ष पे नौ लेंगे। एक्स अक्ष पे वन यहाँ पे मिल रहा है और वाई अक्ष पे नाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे, तो किस पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों रेखा? यहाँ पे मिल रही हैं। तो अब हम यहाँ से इसे मिटा सकते हैं। फिर देखिए एक्स अक्ष पे दो लेंगे और वाई अक्ष पे आठ लेंगे। एक्स अक्ष पे दो और वाई अक्ष पे एट, ये और ये यहाँ पे मिल रही हैं। तो इसे हम मिटाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन नाइन और यहाँ पे एक्स टू था, वाई एट था। अब देखिए एक्स अक्ष पे थ्री लेंगे और वाई अक्ष पे सेवन लेंगे। एक्स अक्ष पे थ्री, वाई अक्ष पे सेवन, तो यहाँ पे मिल रही हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट रखेंगे। तो ये हो जाएगा थ्री और सेवन। तो यहाँ से इसे मिटाएंगे। फिर देखिए इन तीनों लाइन को हम मिलाएंगे ऐसे ऐसे। अब देखिए दूसरा वाला लेंगे, x की वैल्यू वन है और y की वैल्यू फाइव है। तो x की वैल्यू वन यहाँ पे है, x अक्ष पे वन और y अक्ष पे फाइव यहाँ पे है। तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिलेंगी? यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ से इसे मिटाएंगे, इसे मिटाएंगे, और ये है वन और फाइव है। अब x अक्ष पे टू लेंगे तो यहाँ पे टू हमको दिख रहा है, और y अक्ष पे सिक्स लेंगे तो सिक्स यहाँ पे है और टू यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे। तो ये बिंदु है टू और सिक्स। तो यहाँ से ये लाइन हम मिटा सकते हैं। फिर एक्स अक्ष पे थ्री और वाई अक्ष पे सेवन, एक्स अक्ष पे थ्री यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है और वाई अक्ष पे सेवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ से इसे ऐसे मिलाएंगे थ्री, तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिल रही हैं। तो इसे हम ऐसे तीनों बिंदु को मिलाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये दोनों रेखा कहाँ पे कट कर रही हैं? थ्री और सेवन पे कट कर रही हैं। तो थ्री और सेवन क्या है? एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो एक एक्स की वैल्यू आई है, दूसरी वाई की वैल्यू आई है। तो लड़कों की संख्या हम कितनी माने थे? एक्स माने थे, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है? थ्री आई है। तो लड़कों की संख्या थ्री है, और लड़कियों की संख्या कितनी माने थे? वाई माने थे। तो वाई की वैल्यू कितनी आई है? सेवन आई है। तो इक्वल टू सेवन, ये आपका ग्राफीय विधि से आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच पेंसिल और सात कलमों का कुल मूल्य पचास रुपया है, जबकि सात पेंसिल तथा पांच कलमों का कुल मूल्य छियालीस रुपया है।
एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसे। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, पहले तो हम पेंसिल मानेंगे। माना कितने पेंसिल x और कलमों की संख्या y मानेंगे y। और ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब देखिए पहले इक्वेशन की हम तालिका बनाते हैं। पहले इक्वेशन की तालिका बनाएंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई, तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हम कितना रखें। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 7 से 50 तो कटेगा नहीं। फिर हम 1 रखते हैं, तो अगर 1 रखेंगे x की वैल्यू तो ये 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, 50 में से घटेगा तो 45 होगा, 7 भी 45 से नहीं कटेगा। फिर हम 2 रखते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 50 में से फिर 10 घटाएंगे तो भी 7 से नहीं डिवाइड होगा। फिर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 5 3 15, तो जब हम 50 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 35 आएगा। तो 35 7 से कट जाएगा ना, तो हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू x इक्वल टू 3 और -4 रखेंगे, ठीक है। तो पहले हम रखते हैं पहले समीकरण में 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो यहाँ पे हम जब x की वैल्यू 3 रखेंगे, 5 × 3 + 7y = 50, 5 × 15 15 को बराबर के उधर ले जाएंगे, 50 में से घटेगा तो 7y = 35। तो y = 7 × 35, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और x की वैल्यू कितनी रखे हैं, 3 रखे हैं, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर x की वैल्यू -4 रखेंगे, -4, तो इसी समीकरण में 5 × x की वैल्यू -4 + 7y = 50। तो 5 × 20 - 20 + 7y = 50। तो -20 है ना, बराबर के उधर लेके जाएंगे, प्लस में होगा तो 50 में जुड़ेगा तो 7y = 70, y = 10। तो y की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। फिर दूसरे समीकरण की तालिका बनाते हैं। दूसरे समीकरण की तालिका यहाँ पे बनाएंगे एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, x = 3, लेकिन अगर हम वाई एक्स की वैल्यू -4 इसमें रखेंगे तो कटेगा नहीं, ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो ग्राफ में दिक्कत होती है थोड़ी सी। आप करने को तो कर सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा तो कुछ तो दिक्कत होगी। तो हम -4 नहीं रखेंगे, -2 रखेंगे तो हमको पूर्णांक मिलेगा, तो -2 रखते हैं। तो दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण है 7x + 5y = 46।
तो 7x, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, 7 × 3 = 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 21 है प्लस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस में होगा, तो 46 में से 21 घटेगा कितना आएगा, 25 आएगा, तो 5y इक्वल टू 25, y इक्वल टू 5, 5 से डिवाइड होगा, 5 × 1 = 5, 5×5 = 25, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5y, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखे थे, 3 रखे थे, 3 लिखेंगे, फिर x की वैल्यू -2 लिखेंगे, -2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम -2 रखेंगे इसी समीकरण में, 7 × -2 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7 × 2 = 14 माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, -14 प्लस 5y इक्वल टू 46, -14 है ना, बराबर के उधर लेके जाएंगे प्लस में होगा, तो 46 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, तो 5y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो y की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब इसी के हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचेंगे, इसे अब हम मिटा दे रहे हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ये y अक्ष है, y डैश, और ये x डैश, तो ये मूल बिंदु होता है, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिखेंगे, और फिर y अक्ष पे लिखेंगे ऊपर की तरफ प्लस में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये y अक्ष है। अब जब हम नीचे की तरफ लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस में है ना, यहाँ भी माइनस में है, तो नीचे की तरफ हम माइनस में लिखेंगे, तो ये -1, -2, -3, -4, तो जब हम इधर लिखते हैं x अक्ष के बाएं साइड में तो उधर भी माइनस में लिखते हैं, तो -1, -2, -3, -4, -4 तक लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे x अक्ष पे हम 3 लेंगे, कौन सी पॉइंट लेंगे, 3 वाला, और y अक्ष पे 5 लेंगे, तो 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इस लाइन को हम मिटा सकते हैं। फिर x अक्ष पे -4 है, तो -4 हमको यहाँ पे दिख रहा है, और y अक्ष पे 10 है, तो 10 हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी, तो ये -4 और 10 है, और -4 और ये वाला बिंदु कौन सा था, 3 और 5 था। अब देखिए दूसरा वाला हम लेते हैं, x अक्ष पे 3 लेंगे, तो ये 3 है, और y अक्ष पे 5 लेंगे, तो ये यहीं पे मिलेंगी, ये फिर x अक्ष पे -2 लेंगे, -2 कहाँ है, यहाँ पे है, और y अक्ष पे 12 लेंगे, तो 12 हमको यहाँ पे दिख रहा है, 12 ये और -2 यहाँ पे है,
तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिलेंगी, माइनस टू और टेन। तो इसे हम मिटाएंगे। अब देखिए इसे हम मिलाते हैं, तो ये ऐसे ऐसे मिलेंगी और ये रेखा इस बिंदु से इस बिंदु पे मिलेंगी। तो दोनों रेखा कहाँ पे कट कर रही हैं? थ्री और फाइव पे कट कर रही हैं। तो ये थ्री और फाइव हमारा आंसर आ गया। कह क्या रहा है, किसकी वैल्यू निकालनी थी? पेंसिल और कलम का मूल्य निकालना था। तो पेंसिल हम एक्स माने थे, एक्स की वैल्यू थ्री आई है, और कलम को वाई माने हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आई है? फाइव आई है। तो ये आपका आंसर हो गया।